जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। यूनिवर्सिटी परीक्षाओं पर आज काफ़ी बड़ा फैसला अभी शिक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया। जितने भी हमारे BA, BSc, BCom और MA, MCom के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 2022 में आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस पर काफ़ी बड़ा फैसला जारी कर दिया गया है। कोरोना की फोर्थ वेव के चलते इस बार आप लोगों की स्नातक पर स्नातक परीक्षाओं पर किए जाएंगे बड़े बदलाव। एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराने का भी यहाँ पे मामला सामने आ रहा है। पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में। जितने भी छात्र हैं अंत तक बने रहें, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि आगे भी कॉलेज की परीक्षाओं से रिलेटेड BA, BSc, BCom की, MA, MCom की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आए आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचाया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी खबर कॉलेज की परीक्षाओं पर, आप लोगों के BA, BSc, BCom और MA, MCom की एग्ज़ामों पर। तो दोस्तों कोरोना की फोर्थ वेव ने चिंताएं बढ़ा दी। आप सभी को बता दें शिक्षा मंत्री आज आप सभी लोगों के विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ एक अहम मीटिंग करने वाले हैं और ये मीटिंग आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। शिक्षा मंत्री आज करेंगे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक। आप सभी बता दें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स पर काफ़ी बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अभी भी कोई भी जो निर्णय है UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नहीं लिया है, क्योंकि कोरोना की फोर्थ वेव जो है ये एक्सपेक्ट अप की जा रही है IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ऐसे में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो होने खतरे में आ चुकी है, क्योंकि कोरोना की फोर्थ वेव फिर से आप सभी की एग्ज़ाम डेट परीक्षाओं से टकरा रही है। आपको बता दें फोर्थ वेव आप सभी की मई, जून और जुलाई में आनी है। और यही नहीं, आप लोगों की एग्ज़ाम्स भी जो BA, BSc, BCom के एग्ज़ाम होने, चाहे BA के हों, BSc के हों, BCom के हों, ये सभी एग्ज़ाम, MA, MSc, MCom के, ठीक है, MA, MSc, MCom के, ये सभी एग्ज़ाम आप सभी बता दें, ये सभी एग्ज़ाम आप सभी के इन्हीं महीनों में होने हैं, मई, जून और जुलाई में। तो ऐसे में आप सभी की परीक्षाएं जितनी भी हैं सभी खतरे में आ चुकी हैं कोरोना की फोर्थ वेव के चलते। यूनिवर्सिटी परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ा फैसला अब लिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार छात्र ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो भी वहाँ पर छात्रों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस बार छात्र मिड टर्म परीक्षाएँ जो आपकी हुई थी इसी आधार पर हुई थी कि इस बार आप लोगों के अगर कोरोना आया तो वहाँ पे हम लोग छात्रों को इस बार भी प्रमोट कर देंगे। तो इस बार छात्रों को प्रमोट भी किया जा सकता है। कोरोना की फोर्थ वेव के चलते काफ़ी सारी आशंकाएं लगाई जा रही, काफ़ी सारी यहाँ पे आप लोगों को बता दें एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, एग्ज़ामों पर खतरा भी बढ़ चुका है और यहाँ पे एग्ज़ाम को ऑनलाइन माध्यम में शिफ्ट भी किया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कोरोना की फोर्थ वेव ने चिंताएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। अगर बात करें तो 2022 में छात्रों की जो सिलेबस है वो भी कम्प्लीट नहीं हो पाया था। 2022 में छात्रों का सिलेबस पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हुआ। 2022 में रेगुलर तरीके से क्लासेस नहीं लगी छात्रों की, तो काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें तो छात्रों की पढ़ाई जो है नुकसान हुआ, ठीक है। 2022 में छात्रों की रेगुलर क्लासेस ना लगे होने के कारण उनकी परीक्षाएं अगर हुई तो उनके अंक भी कम आएगा, क्योंकि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों की परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ा खतरा आता हुआ। कोरोना की थर्ड वेव के चलते भी आप लोगों की क्लासेस बंद हो चुकी थी, जो आप लोगों की जनवरी में पूरा जनवरी क्लासेस बंद रहीं और यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस अधूरा रहा, जिसके कारण छात्र आप मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले सिलेबस कम्प्लीट कराया जाए। तो रेगुलर क्लासेस ना लगे होने के कारण, सिलेबस कम्प्लीट ना होने के कारण और काफ़ी सारे अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं, जिसके कारण BA, BSc, BCom और MA, MCom की जितनी भी हमारे एग्ज़ाम्स होने इन पर काफ़ी बड़ा संकट के बादल आ चुके हैं। और आगे भी जो अपडेट आएगी इससे रिलेटेड आप सभी तक पहुंचा जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।